मैं उन पे छोड़ देती हूँ पढ़ाई का, कि आपको जो बेस्ट लगे मेरे लिए वो आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगी। आप बस टास्क दे देते हैं और मेरे को करना है। अच्छा आप बोलोगे मैं आईएएस बन जाऊं, मैं कल से तैयारी चालू कर दूंगी आईएएस की। नहीं ये तो ज्यादा हो गया। बट श्वेता आपकी जो जर्नी है मैं पढ़ रहा था कितनी मतलब कुछ ज्यादा ही फास्ट पेस नहीं है। 2018-2019 में आपने शायद शुरुआत की दिल्ली के लिए अंडर 19 टीम से, और 4 साल ही हुए हैं 2022-23 में वर्ल्ड कप जीत लिया है, आईसीसी ट्रॉफी लाई है, इमर्जिंग एशिया कप अभी रिसेंटली हाल में आप जीत के आ रहे हो। कैसा रहा है, मतलब ऐसा फेरी टेल जैसा लग रहा है या फिर एकदम मजा आ रहा है सब देख के? वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो एकदम वो ड्रीम कम ट्रू वाला फीलिंग था। हाँ। कि जिसके लिए मतलब 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे थे तो हाँ। वो चीज जब फाइनली मिली तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग मतलब बहुत सरियल था हमारे लिए। पर आपको पता कब चला कि अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप है, क्योंकि हम विमेंस क्रिकेट काफी सालों से प्रमोट कर रहे हैं और अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप हमको कभी हमने सोचा भी नहीं था सपने में कि होगा। हमने मेंस का तो देखते आए हैं पर अंडर 19 के लिए भी होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है डाइजेस्ट होने के लिए। जब वो अनाउंस हुआ तो हम बहुत ज्यादा खुश थे, आपको कब पता चला? मेरे को एक्चुअली जब कोविड चल रहा था हाँ। तो हमारा ये सीनियर हुआ था उस टाइम सिर्फ हाँ। एक ला डोमेस्टिक सीजन में हाँ। जो फरवरी के आसपास हुआ था। करेक्ट। तो 21 ऐसे ही था सीजन हाँ। तो उसमें मेरे को फरवरी के आसपास पता लगा कि 19 वर्ल्ड कप होने वाला है। अच्छा। उसमें भी लेकिन 1 साल का डिले आ गया था। फेब 20 में कि 21 में? 20 में मेरे ख्याल 20 में। अच्छा, तो उस मतलब उस डोमेस्टिक सीजन में सिर्फ एक ही सीनियर्स का हुआ था उस टाइम पे, और मेरा डेब्यू था वो वाला। अच्छा, तो उसमें भी जैसे मैंने स्कोर वगैरह किया था तो मुझे उस मैच के बाद ही मेरे को पता लगा था कि ऐसे सीजन होने वाला है, तो मेरे कोचेस ने एकदम आके बताया, तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ फाइनली ऐसे हो रहा है। और तब आपकी क्या एज होगी? 17, 16? 16। अच्छा, तब आपने मन बना लिया था कि अंडर 19 खेलेंगे? हाँ जी। खेलेंगे? ये जीतेंगे? जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे ये मन बना लिया। मेरे पास ऐसे पोस्टर भी है। अच्छा, मैंने पोस्टर की स्टोरी सुनी है, क्या एग्जैक्टली ये स्टोरी बताइए? ये एक्चुअली हमारे ना रूम में एक वो था फायर अलार्म का लेटर होता है ना हाँ, जो हाँ, आता है हाँ, तो उसमें रूम में वो रखा हुआ था। तो मेरे पास उस टाइम पेपर या कुछ था नहीं, तो मेरे कोच ने फोन करके बोला कि ऐसे टारगेट बनाओ अपना कि तुम्हें खेलना है वर्ल्ड कप करके। तो मैंने वो बनाया और अपने बिल्कुल टीवी के साइड में लगाया कि सुबह उठते ही सबसे पहले चीज़ ही वो दिखे। वाओ। तो हमेशा सुबह उठ के फिर रात को सोने से पहले वही चीज़ मतलब इमेजिन करके कि हाँ हम उठा रहे हैं ट्रॉफी और ऐसे करके वो फीलिंग अंदर लेके आई, तो तभी वो पॉसिबल हुआ। ये सेम चीज़ है, ऐसा कुछ हम जब मैं स्कूल में था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने ऐसा कुछ हम टाइम टेबल लगा के रखते थे कि एग्जाम इस दिन आने वाला है और उसके एक दिन पहले हमने पढ़ाई शुरू करनी है। ये आपने क्रिकेट में भी कर दिया था। सेम। बट आपको पढ़ाई के बारे में बताइए, मैंने सुना है कि आप काफी स्टूडियस थे एकेडमिक वाइज। थे ऐसे? मतलब हाँ, ठीक था। मतलब कितने परसेंटेज आ जाते होंगे? 80% था नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और आपने वीवीएस लक्ष्मण को एक लेटर एक ईमेल लिखा था कि मुझे एग्जाम देने दो। वो 6 अलग जगह पे लगा था वो कैंप, तो 6 टीम्स बनी थी उसमें से 15 लोगों की। तो उसमें मेरा नाम एक्चुअली था नहीं, तो मैं लास्ट के 7 डेज में मेरे को कैंप में बुलाया था। तो फर्स्ट डे मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था कि प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ब्लड टेस्ट और वो सब चीज़ें होती हैं, तो सारा मतलब मेडिकल टेस्ट पहले होंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा पहला दिन तो उसमें तो मेरे को बड़ा वो हो रहा था कि यार ऑलरेडी इतने कम दिन के लिए आई हूँ, उसमें से भी एक दिन संडे था तो छुट्टी थी, तो मेरे को बड़ा फ्रस्ट्रेशन था कि यार इतने कम दिन है। तो लास्ट में को पता लगा 2 मैचेस होने हैं, लेकिन उससे पहले लिस्ट आ गई थी तो उसमें मेरा नाम था नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डाउन थी कि मैं रूम से भी नहीं गई, निकली ही नहीं मैं, बोला यार मन ही नहीं कर रहा। फिर मेरे को फ़ोन आया घर से कि क्या हो गया, ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ, कोई नहीं होता रहता है। फिर तो मैंने कोच से भी बात की थी, तो उन्होंने बोला कोई नहीं डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे और भी हैं चांसेस, वर्ल्ड कप तो खेलना है। तो मैंने बोला हाँ जी खेलेंगे। फिर पता नहीं मेरे को सडनली बहुत ज़्यादा एग्रेशन आया अपने अंदर कि ऐसे कैसे नहीं लिया यार टीम में, मेरे को देखा भी नहीं और टीम में नहीं लिया। तो अगले दिन हमारे 2 मैचेस हुए, तो उसमें दोनों हमारे वन डे मैचेस थे। एक में मैंने
35 रन कुछ मारे थे, 24 बॉल्स ऐसे, फिर मैं आउट हो गई थी, लेकिन हम जीत गए थे वो वाला। फिर नेक्स्ट वाला सेकंड मैच खेला तो उसमें मैंने 25 ओवर्स में ही से कम में 25 ओवर्स में हमने चेस कर दिए थे, 200 कुछ रन थे, तो मैंने 100 मारी थी उसमें। वाओ। तो तब मेरे को बड़ा अंदर से था कि करना है यार, ऐसे कैसे नहीं लिया इन्होंने। तो एक था अंदर फीलिंग कि परफॉर्म करना है, अपने आप को दिखाना है कि केपेबल है ऐसे करके। आपका पहले से ऐसे ही रहा है कि जब आपको ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो आप और उसको एकदम एग्रेसिव तरीके से टैकल करते हो, पहले से ऐसा ही था? हां, एक्चुअली ये पहले भी हो चुका था उससे पहले। अच्छा। तो मैं सीनियर में ड्रॉप हो गई थी। ओके। तो रणजी टीम बनती है सीनियर, राइट, तो उसमें मैं ड्रॉप हो गई थी। तो नेक्स्ट डे फिर हमारा उत्तराखंड से मैच था, सीरीज खेलने आए थे वो कोटला में। तो तब मैच था, फिर मैंने मेरे को एक चांस मिला एक मैच में, दो मैच थे उस दिन, फर्स्ट मैच में मेरे को खिलाया नहीं, तब भी मेरे एग्जाम्स थे। मैं एग्जाम से लेट आई थी, तो मैं सेकंड मैच खेला डे नाइट वाला, तो उसमें मैंने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग की, तो मैंने 10 ओवर में 60 रन, मतलब पहले 10 ओवर्स बैटिंग की, तो मेरे 60 रन से 32 बॉल्स में ऐसे था। लवली। तो उस तब भी मेरे को यही था, मैं ड्रॉप हो गई थी टीम से। तो फिर तो ये पढ़ाई आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है श्वेता, कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, स्पेशली क्रिकेटर्स जिनकी लाइफ ऑलरेडी इतनी बिजी है, इतने टूर्स होते हैं, पैक्ड होते हैं। आपका लाइफ कैसा रहा है पिछले 2 साल का या 1 साल का लाइफ कितना रहा है, और घर पे टाइम बिताने मिलता है आपकी नहीं मिलता है? नहीं, लास्ट 1 ईयर से तो बहुत कम टाइम रहा है घर पे, लेकिन ये पढ़ाई और एकेडमिक्स इन सब का मैं मतलब क्रेडिट अपनी मॉम सिस्टर इनको ही ज़्यादा दूंगी, क्योंकि इन्होंने ही मेरे को इतना फोर्स किया कि पढ़ना चाहिए, और आई एम थैंकफुल कि इन्होंने किया, क्योंकि मतलब अलग ही फीलिंग होता है, फील एजुकेटेड एंड फील रिस्पॉन्सिबल, तो अच्छा लगता है। एक बैकअप ऑप्शन भी आपके पास रहता है। हाँ जी। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हो, नाइस। तो ये कहाँ? इंग्लिश ऑनर्स है जी। ये आपका फेवरेट था, ये पहले से आपने सोच रखा था कि? मैंने मम्मी दीदी ने सजेस्ट किया, तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा, मम्मी और दीदी ने सजेस्ट किया। मैं उन पे छोड़ देती हूँ पढ़ाई का, कि आपको जो बेस्ट लगे मेरे लिए वो बताओ, आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगी। आप बोलोगे मैं आईएएस बन जाऊं, मैं कल से तैयारी चालू कर दूंगी आईएएस की। नहीं, ये तो ज्यादा हो गया मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अच्छा, ओके। नहीं, आपकी कैपेबिलिटी तो ऐसा है कि आपको जो मिल जाए आप वो अचीव कर लोगे, राइट? अभी तक हम तो क्रिकेट में वही देखते आए हैं। T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, जब आपको पता चला, जब आपका टीम में नाम आया, क्या माहौल था घर पे, लोगों की क्या एक्साइटमेंट थी, और आप वाइस कैप्टन सेलेक्ट हुए थे, तो एक वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर पे, क्या था उस दिन का माहौल और एक्साइटमेंट क्या था? वो तो माहौल उनको ही पता होगा, क्योंकि उस टाइम भी हम लोग एक्चुअली सीरीज खेलने आए थे, मुंबई में ही थी न्यूजीलैंड सीरीज, राइट, राइट। तो उसके बाद ही हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ था। हाँ। तो हम तब भी घर नहीं गए थे, हम तब वहीं से एनसी और पैक करके सब डायरेक्ट साउथ अफ्रीका। इंडिया के बाहर ये पहला विजिट था कि आप पहले जा चुके थे? फर्स्ट इंटरनेशनल टूर सीधा साउथ अफ्रीका। कैसा था एक्सपीरियंस? थोड़ा डिफिकल्ट। जैसे खाने का प्रॉब्लम था मेनली, पर इन द एंड फिर हमारे दिमाग में वही था कि बस जीतना है करके, तो हम बस भगवान का नाम लेके खा लो जो भी मिल रहा है। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं T20 वर्ल्ड कप जो होल रहा था सीनियर्स का, वो कवर करने गया था साउथ अफ्रीका में। अच्छा। पहले 4 दिन में मैगी पे था। हाँ, देख, नहीं मिलता उधर सच्ची, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं था, वेजिटेरियन और मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन। मैं भी वेज। अच्छा, आप भी हो? फुल ऑन। फिर तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी। आई कैन फील यू श्वेता। बाकी के जो आप मेरे सच्चे दोस्त। 25 ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में है, इसीलिए इंडिया में काफी स्पेशल हो गया, खाने को मिलेगा। खाने को। T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका बहुत मायनों में काफी स्पेशल था श्वेता, बट सबसे पहले तो ये बताइए, वो जो भूत वाली जो स्टोरी है, ये आप लोग ने एक दूसरे को बहुत प्रैंक किया मैंने सुना है, और बहुत एक दूसरे को डराए हैं, किसने बताया? कौन था बलि का बकरा, कौन था वो? ऐसे हमने शबनम को डराया था एक्चुअली, मतलब मैं नहीं थी इसमें। नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आई स्वेयर मैं नहीं थी। इन लोगों ने पता नहीं क्या किया कि बालकनी थी हमारे, उसमें एरिया था थोड़ा सा, तो उधर एक लड़की को हमने छुपा दिया था, तो कि ऐसे चादर दे के कि एकदम से आ जाना जैसे वो उधर से बाहर निकलेंगे। हाँ। खोल के। हाँ। तो हम पार्शु आई रूम के अंदर। हाँ। तो उसने ना कार्ड निकाल दिया, तो शबनम थी रूम के अंदर, उसको लगा लाइट चली गई, तो उसकी तो वैसे ही डर लगता है उसको लाइट से, तो गई और उसने बाहर गई,
हमारे बालकनी एरिया में, तब एकदम वहाँ पे फलक थी नीचे, तो उसने चादर ओढ़ रखी थी, वो एकदम से आई तो शबनम इतना तेज चिल्लाई बस फलकनाज फलकनाज। तो ये सब पहले से प्रिपेयर होके गए थे आप लोग कि ऑन द स्पॉट ये खुराफाती दिमाग वहाँ चला? ऑन द स्पॉट तो हमारा चला था, हम लोग लेके आए थे फेक स्नेक, लेके आए थे हम लोग जो आर्टिफिशियस। ये कहाँ से मिल गया आपको? हम मॉल गए थे, हम चुपचाप लेके आ गए, एक गिफ्ट शॉप था तो हम अपने फैमिली के लिए शॉपिंग कर रहे थे, तो हम वहाँ पे दिख गया तो मेरा दिमाग चला ये लेके चलते हैं, किसी को तो डराएंगे भाई, फैमिली के लिए तो कोई स्नेक आर्टिफिशियल स्नेक लेगा नहीं करेक्ट, ये तो फ्रेंड्स के लिए हो सकता है। फ्रेंड्स पक्का। हम वो लेके आए रूम पे, मैं, तेतास और मन्नत, तो हम तीन तो बिल्कुल बस फन हो गया, मतलब आपका गैंग एक प्रॉपर बन गया था वहाँ पे। और भी थे हमने सब, सबसे सबको बहुत डरा टेंशन के लिए। अब आते हैं, ये जो फाइनल मैच हुआ इंडिया इंग्लैंड, हम यहाँ पे लाइव यहाँ पे टीवी पे हम देख रहे थे, क्या था इमोशन एक दिन पहले मैच के, एक दिन जस्ट पहले, क्योंकि आपको पता होता है कि इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, पहली बार एक तो वर्ल्ड कप पहली बार हो रहा है अंडर 19, उसमें हम पहली बार हम फाइनल में पहुंचे हैं पहले ही ओकेशन में, और इंग्लैंड भी एक अच्छी खासी टीम है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, राइट? तो ऐसा कुछ एक दिन पहले कोई नर्वसनेस थी, कुछ दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, आप लोग कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे होंगे? हम लोग एक्चुअली हम चार लोग रूम पे बैठे हुए थे, मैं, तेतास, मन्नत और रिशिता बासु विकेट कीपर, तो हम लोग चार बैठे थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि यार फाइनली कल है वो दिन, और फिर हमें एक होता है ना मैच से पहले जब चीज़ मिलने वाली होती है फाइनली कि जल्दी हो जाए बस मैच और ख़त्म करें, जीते कप उठाएँ, तो वो फीलिंग था कि बस अब जल्दी जल्दी कराओ, तो ऐसा था कि हम लोग मतलब थोड़े ऐसे हैं कि रोलिंग वगैरह इतना नहीं करते जैसे रिलीज वगैरह करते हैं, तो हम इतना सीरियस थे उस मैच के लिए, हमें मैम ने बोला कि इतने मिनट रोलिंग करनी है, इतने मिनट स्ट्रेचिंग करनी है, हमने बिल्कुल डॉट करा वो चीज़ कि भाई एकदम कल के लिए तो एकदम फिट होना है, कुछ भी नहीं होना, रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं चांस ही नहीं है, तो हम इतने सीरियस थे, हमने पूरा डॉट करा जो भी हमें बोला गया, बिल्कुल एक भी चीज़ हमने मिस नहीं की, तो और फिर जैसा प्लान किया था वैसा सब हो गया अपने प्लान के मुताबिक। और एक चीज जो अनप्लान्ड थी वो ये था कि आप लोग का स्वागत सत्कार होगा एयरपोर्ट पे और उसके बाद फिर स्टेडियम बुलाया जाएगा, मोटेरा स्टेडियम। वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि वो एक पैक स्टेडियम और वहाँ पे सचिन तेंदुलकर और वो जो पूरी टीम है बीसीसीआई की, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटर थे वो सारे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था, एक साथ आपने इतने सारे लोगों को देखा था और सब लोग आपका नाम ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो मतलब बहुत डिफरेंट था कि ऐसे हम जैसे कार में बैठे हुए थे तो तब भी लोग हम लिटरली हम अपने नाम सुन रहे थे कि हमें लोग हमारे नाम जानते थे कि सब सुन रहा था, एक एक का नाम सुन रहा था, तो बहुत अलग था कि इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अंडर 19 वुमेन्स को देखा एक्चुअली लोगों ने, तो बहुत मतलब प्राउड फीलिंग था। श्वेता, ऐसा सेम एक हुआ था 2017 वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप हुआ था, एक हिस्टोरिक मोमेंट था वो भी विमेंस क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम फाइनल तक पहुंचे थे, ऑल्दो हम वो टाइम इंग्लैंड से हार गए थे, तब आप क्या कर रहे थे, तो आपने देखा था कुछ, याद है आपको उस वर्ल्ड कप के बारे में? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर हाँ मेरे को रफ आइडिया है कि हम हारे थे वैसे। अच्छा, ओके। यूपी वॉरियर्स में आपका जब सिलेक्शन हुआ, आप जब पिक हुए, तो सब घर वालों का क्या रिएक्शन था, और क्या आपने एक दिन पहले ऑक्शन के एक दिन पहले सोचा था कि मैं WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग इनॉग्रल एडिशन का कभी पार्ट बनूंगी? मतलब मेरे को इतना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, बस ये था कि हाँ हो सकता है चांस है, क्योंकि एज एन परफॉर्म करके आए हैं तो फिर हो सकता है कोई टीम इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हैं, पर हाँ बहुत अच्छा लगा था कि मैं उस टाइम एक्चुअली प्रैक्टिस पे थी जब ये चल रहा था, तो मैं और मेरे एक फ्रेंड थे, तो हम कार में जा रहे थे प्रैक्टिस करने, तो तब हम ऑक्शन देख रहे थे लाइव। अच्छा। तो जैसे जैसे मेरा हो रहा था तो मेरी फ्रेंड बहुत हाइप हो रही थी एकदम, बोला शांत हो जा ड्राइव करने दे। अच्छा, आप ड्राइव कर रहे थे तो ऐसा बोला नहीं यार साइड में थोड़ा गाड़ी पार्क कर लो, देख लेते अच्छे से श्वेता का नाम आया, उसके बाद नाचते हैं फिर चलते हैं? ट्रैफिक था ना, रुके ही हुए थे। बैंगलोर में थे क्या? नहीं नहीं, बैंगलोर में नहीं था ना, दिल्ली में थे। अच्छा, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक थोड़ी बदनाम है ना, बहुत ट्रैफिक। अभी फ्यूचर प्लान क्या है श्वेता? आपने 2023 की बात करें तो काफी मेमोरेबल रहा है, काफी इवेंटफुल रहा है आपके लिए, नेक्स्ट व्हाट्स द प्लान, क्या गोल है? नेक्स्ट बस मेरा ये है कि हम जो हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेले डेफिनेटली इंडिया जीते, और 25 वर्ल्ड कप आई एम एमिंग फॉर। 25 ODI वर्ल्ड कप इंडिया में है,
इसीलिए इंडिया में काफी स्पेशल होगा रही। खाने को मिलेगा खाने को वो इम्पोर्टेंट है, हमारी हमारी प्रायोरिटी सेट है, खाना इम्पोर्टेंट है। फाइनल क्वेश्चन श्वेता, जब आप घर जाते हो या जब आप दिल्ली से आते हो और वहाँ का तो स्ट्रीट फूड इतना फेमस है, क्योंकि आप खाने पे इतना ज्यादा जोर दे रहे हो, मुझे पूछना पड़ेगा कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है या आपको क्या अच्छा लगता है जब आप घर जाते हो। मेरे को वो वैसे तो घर का खाना ही, लेकिन अगर जंक फूड में पूछो तो मैं सिर्फ जंक फूड में पूछ रहा हूँ, जंक फूड तो टफ चॉइस है, बहुत सारे तो भल्ला पापड़ी अच्छा लगता है। भल्ला पापड़ी, ये कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक आपका एक दुकान है, कोई रोड है? अच्छा वैसा प्रॉपर सेट है, फिक्स है। उधर ही सिर्फ उधर का ही खाती हूँ और चांस ही नहीं है। ग्रेट श्वेता, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर दिस चैट। बहुत सारी बधाइयाँ आपको आपके आगे आने वाले करियर के लिए। आपके पास तो पूरी अभी करियर बची है, आप खाली 19 के हो तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलना आपके लिए बाकी है, तो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट विशेस। आप बहुत सारे मैचेस खेलो, ट्रॉफीज लाओ इंडिया के लिए, और जब जो मौका मिले भल्ला पापड़ी खाने जाओ। बिल्कुल, अभी घर जाते हैं वही सबसे पहले, वही वही जाके। ऑलराइट डन, थैंक यू। थैंक यू।